अरे करा रहा हूँ गाड़ी इंजन खुलेगा। बिफोर है हालत बहुत बुरी थी ये गाड़ी, ये जाहिर है गाड़ी कम चली तो कैसा चमक रहा है, और भी चमकेगा। नीचे से तो फाइनल हो गई है, बाकी अब बॉडी वॉश हो गया, इंजन रूम भी अच्छा हो गया, बाकी मैं इसको सफाई करूँगा। मोटी मोटी मिट्टी जो है ना ख़त्म हो गई, बैटरी वाला भी साफ हो गया। नई गाड़ी तो नहीं होती, गाड़ी सर्विस हो गई है, बस ये वॉश करे तो जाऊँ। इंटीरियर देख रहे हो ना, खुश हो रहा है, ये सही होगा, बाकी ओके हो गया। बम्पर से मैंने पीपीएफ उतारा है, देखें तो सही फ़र्क है या नहीं। अरे गाड़ी को अच्छा हुआ है तो ये थोड़ा सा पीला हो रहा है, ये तो ओरिजिनल शाइन है। अगर ये सारी गाड़ी से उतर जाए ना, गाड़ी ऐसी निकलेगी और एसी हो रहेगी बिल्कुल जैसे अभी शोरूम से निकली हो, क्योंकि ये मेरे दोस्त की गाड़ी है, वलीद भाई है ना, उनके कज़न की, मैं जैसे बताया था तो वो उन्होंने लेते के साथ ही पीपीएफ कराई थी, मतलब शोरूम डिलीवरी होने के बाद सीधा पीपीएफ वाले के पास गई थी गाड़ी। ये भी फ़र्क है ना, थोड़ा सा मामूली फ़र्क है। चलो एक पेपर उतरवा रहा हूँ शीशों का, गाड़ी पे धुलने के बाद पता चला कि गाड़ी पे डॉट आ रहे हैं हल्के हल्के ना, काले काले डॉट, जैसे वो अब कहाँ आपको दिखाऊं, जैसे आपको नज़र आ रहे होंगे, आपको वीडियो में शायद नहीं आएंगे नज़र, वो मैं ना साफ करा रहा हूँ। अमन मज़े फिटफाट लगा पड़ा है पूरी गाड़ी को, उसने ना हाथ से जो है ना ये कर रहा है, रिबन पॉलिश कर रहा है, क्योंकि ग्राइंडर पे चलता नहीं और ग्राइंडर में चलवाता भी नहीं, मेरे हाथ से मेहनत होगी। और बाकी जो है इसमें सादे बोल रहा है कि थैलियाँ चढ़ो सीट कवर हो गए, सीट कवर उतार के तो वो जो है ना सीट कवर उतरेंगे, वो अब यहाँ उतरें या शोरूम पे उतरें, बाकी जो उसका काम है ना वो रहता है एक तो इंटीरियर की सफाई, इंजन रूम की सफाई और ये थैलियों का काम, तीन काम, बाकी सारी गाड़ी का। ओके हाँ, ये कर लो पहले। क्या ले थी? ये देख रहे हो छोटे छोटे से टॉप, अजीम दर थोड़ा मारी थी वीडियो में, लाइव दिखा छत पे दिखा दो, छत पे ये काले निशान है ना, नहीं इधर लगाई थोड़ा हटा के देखा, ओ ये पीपीएफ के ऊपर है, सही है, ओके ये हटवा रहा हूँ। अमन मजे फिट पार्ट, अजीम जो है शीशे साफ कर रहा है, अभी पार्टी आई थी, कोरोना का यही सीन होता है, पार्टी बोलते बस दिखाओ गाड़ी, जहाँ भी है कैसी भी है दिखाओ, दिखाई हमने उनको गाड़ी, पसंद भी आई है, लाग रहे सौदा हो जाएगा, 70 लाख मैंने बताया उनको डिमांड, सरफ लगा रहे साफ हो जाएगा, अभी रबड़ों की आवाज़ में इसमें आपको चेक करा था, यही ऐसा ही कोई चीज़ बना के आप रबड़ों पर लगाओगे ना, सीधे सीधे लगा के दो आवाज़ ख़त्म, ये हो गया ओके। ये मैंने कार्रवाई की, ये भी ख़राब हो गए, ये देखो ये भी ख़राब हो गए, ये भी ख़राब हो गए, सारे साफ हो गए,
और अजीम खुशो अमन मजे पे अमन मजे पे अल्लाह खुश रखे। दो दो बार ऐसा हुआ मेरे साथ, एकदम एक कलम लगवाने आया था उसकी गाड़ी बिकवा दी बजाज को, सही है। एक मेहरान चेक करवाने आया था उसकी गाड़ी किसी ने को दिला दी। ये देखो जा रहा है ना काला कालापन घर, आपकी काला शीशा साफ करें ना, उसकी जो चिपक जो रह जाती है सर्फ वाले कपड़े से आप साफ कर सकते हैं ऐसे। देखो हो रहा है ना साफ, सर्फ है तो इतना तंग भी नहीं करेगा उतरने में, हो गया साफ। देखो सर्फ लेना तो ये अच्छा था ब्रो। फरिशा तू फरिशा तू सर दर से अलहमदुल्ला गाड़ी ओके हो गई, मैं भी नीचे आ गया हूँ, शीशे शीशे सब साफ हो गए। अभी पुणे 12 बज रहे, काम तो ये सुबह भी हो जाता पर सुबह ये फजूल की चीज़ है, तो मैंने कहा भाई यार सुबह नहीं करते अभी कर लेते हैं, फ्री बैठा हुआ था। आपको याद होगा कोरोला वाले ब्लॉग में मैंने कहा था ये कि लगाएंगे कोई दूसरी गाड़ी में लगाएंगे, इसमें जो है ना एक में लग जाएगा, एक में बैक कैमरा लगी हुई है, ये एक वाइट है एक वो है ऑरेंज कलर, तो ये यहाँ लग जाएगा, खोलता हूँ अभी इसको लगाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। अच्छा बैक कैमरा में भी ये येलो लाइट दी है इन्होंने यार, ये देखो वाइट नहीं है, ये वो है पीली लाइट है। खुलने का बड़ा आसान तरीका है, ये खुलेंगी सारी, एक क्लिप बचाने नहीं क्योंकि क्लिप ये मिलेंगी नहीं वापस। लगा हुआ अंदर से क्लिप निकाल लेनी, ये खुल गया, अब ये बाहर निकलेगा जो ना बाहर की साइड निकल जाएगा, निकल गया। कोरोला में तो सेम साइज था वो कहाँ गया, इसमें भी लग रहे सेम है, कोरोला मतलब GLI में हाँ सेम टू सेम चीज़ है। देख लो सेम टू सेम, बस आराम से लग जाएगा। यार एक तो ग्रेनी में लाइटें हैं नहीं, डोम लाइट लगी हैं पर अब हाथ से जलाओ, अब देखो कितना अंधेरा है, सिर्फ एक लाइट लगी है, आखिरी लाइट मैंने चेंज कर दी, आपको चेक करा था। यार इसको भी स्टार्ट करें, तकरीबन 17 का एवरेज दिया है इसने, ये जो मतलब जितना भी इसने पेट्रोल पिया है इतने किलोमीटर पे, तो मेरे हिसाब से मैंने जो कैलकुलेशन की, बिल्कुल आसान तरीका है कैलकुलेशन करने का, आपको मैंने बताया था 410 किलोमीटर को 24.5 लीटर से आप तकसीम करो, पे तकसीम करो, आपको एवरेज निकल के आया। बाकी आप मीटर पे चलेंगे तो चलो मीटर भी आपको दिखा देता हूँ। अभी भी एक भाई साहब थे वो 15.3, चलो ये लगभग एवरेज दे रही है, वरना गाड़ियाँ ज़्यादा बताती हैं और दे कम रही होती हैं। और इसकी ग्रैंडे की ऑफ़र मुझे आई थी, मैं 70 मांग रहा था, तो मुझे अभी जो मैं बोल रहा था ना पार्टी आई थी, वो आई थी उन्होंने देखी गाड़ी उधर ही, और उन्होंने 67 बोले थे पहले, तो 6750 भी बोले, तो 68 भी बोल दी मेरी, इतनी मैं बोलता हूँ ये मेरे में अल्लाह ताला का करम है, मैं वाले साहब से ज़ाहिर है सीखी है सारी चीज़ें डीलिंग विलिंग वो करते थे अभी भी करते हैं, तो एक ही दफ़ा मैं हूँ ना मुझसे आप अगर किसी ने सौदा किया वो कमेंट करे भले, एक ही पैसे बोलता हूँ भाई फुल पैसे, मतलब मुझे पता है कि एक चीज़ मैं अगर 70 लाख की ले लूँगा तो मैं इसको फजूल में उसको मैं 65 से शुरू क्यों करूँगा,
मतलब डेढ़ शेड़ा बनूंगा ना उसकी नज़र में भी और खुद भी, तो इसलिए मैं ऐसा नहीं करता। मैं बोलता हूँ भाई अगर मुझे समझ आती 67 में, ओ सॉरी 68 में मुझे पता है लेनी है तो डायरेक्ट 68 बोलूँगा। मैंने उसको बोला भाई 69 फाइनल है, बिल्कुल डॉट फाइनल, इससे कम नहीं दूंगा मैं। तो देखते हैं शायद वो कल आएगा, क्योंकि वो गाड़ी उसने ढूंढी है मार्केट में, उसको उतनी साफ गाड़ी, साफ तो ठीक है पर वो मीटर रिवर्स का चक्कर ये वो, गाड़ी खुद भी तो बोलती ना यार, एक मेरी तो आदत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मियाँ की रजा ये भी कि भाई आप, मैं अभी आए थे ना, वो शीशे साफ हो रहे थे गाड़ी के ना, जो काले पेपर उतार रहे थे ना उस टाइम आए थे, तो वो बोल रहे थे क्या हो रहा है, मैंने कहा भाई पेपर साफ कर रहे हैं, आप गाड़ी देखो 9000 चली हुई बस, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे पता है मैं ज़्यादा क्यों बोलूँ, हमेशा आपकी चीज़ बोलनी बोले, खुद ही बोले, जहाँ वो दरवाज़ा खोले तो उसको पता चले, कोरोला में पता चल जाता है ज़्यादा चली हुई गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और कम चली हुई का खुलता है तो पता चल जाता है, इंजन रूम से पता चल जाता है, गाड़ी की गियर नॉब ये वो सारी चीज़ें आपको पता है, आप खुद मास्टर हो। तो 68 उसने बोले, मैंने कहा नहीं यार, आखिरी उसने ये बोले, लेकिन मुझे इस बात पे तब पे पैसे आपको एक ही बोलने हैं, मतलब 69 बोलने चलो मिसाल, तो आप 69 चलो 50,000 कम बोलो ना, आप 5-5 लाख कम बोल के फिर आप ऊपर आओ, ये तो कोई है नहीं। मैंने उसको बोल दिया 69 जहाँ से बोल के गया था, वो होटल पे भी गए, बंदे अच्छे थे वो मोला ही थे, वो होटल पे उन्होंने बुलाया मुझे, यार होटल पे आप आओ, फिर मैं बाइक पे गया, मेरे दोस्त थे समीला मेरे साथ थे, मैं दोनों गए होटल पे, रूपामणी होटल है वहाँ पे, नीचे चाय पी थी, उन्होंने बोला आप यार मीटिंग करते हैं और आप आ जाओ, तो हम गए वहाँ पे, मैंने उनको बोला मैंने जो मैंने वहाँ पे बोले थे यहाँ भी यही है, को मेरे में मुझ में वो आदत है नहीं कि मैं 25-25 करके कम करूँ, मैं एक ही दफ़ा बोलता हूँ, तो आप भी अगर डील करो तो ऐसे ही करना सही। बस अब ये लाइट इसकी चली गई, अब बारिश हो रही इसलिए यार इसकी तो वैसे भी इतनी कोई आवाज़ अच्छी भी नहीं होती। और ऐसा यार एक चीज़ मैंने नोट की है, ग्रैंडी अभी तो ठंडी नहीं है, ठीक है कोल्ड स्टार्ट करूँगा जब तो उसको कोशिश करूँगा आपको आवाज़ सुनाऊँ उसकी कोल्ड स्टार्ट की, इसकी स्टार्टिंग की आवाज़ अच्छी होती है, लेकिन मेरे ओपिनियन में मुझे 1300 वाली की आवाज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, इसकी भी अच्छी है लेकिन उसकी एक अलग ही फील होती है, मतलब स्टार्ट करो ना जो आवाज़ है उसकी, जैसे GLI ऑटो की थी उसकी आवाज़ अलग है, और साइलेंसर से जो उसकी आवाज़ है उसकी मुझे मतलब मुझे लगता है कि ज़्यादा कड़क है, इसकी जो है ना पावरफुल आवाज़ बहुत फील होती है, पावरफुल मतलब, तो कल सुनते हैं।